ये मेरा सुबह का नाश्ता, चाय का कप एक हो गया। और अभी थोड़ी सी बर्तन धोऊंगी। यहाँ पर जो है ना, पहले दूध निकाल लूँ। दूध वाला आ गया। हैं उबालने के लिए, और साथ में जो है ना अपना किचन क्लीन करेंगे। ठीक है, चिकन बनाएंगे आज हम। चिकन आज हम बनाएंगे चिकन। इसको निकाल देते हैं, पानी डाल के रख देते हैं, डी फ्रोस्ट हो जाएगा तो फिर जो है ना हम खाना बनाएंगे। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ नहाए हैं। नैया करें, नैया नाया, नहीं नहीं करनी नाया, चलो आ जाओ। यहाँ पर जो है ना मुझे बनाना है आज चारी चिकन। तो ये जो है ना, मैंने सब्जियाँ सारी फ्रीज कर दी थी, क्योंकि बड़ी बड़ी ख़राब हो जाती है ना, फिर मैं फ्रीज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना गाजर ले रही हूँ, फ्रोज़न है, और फ्रोज़न ही यूज़ कर लेते हैं हम। इसको अभी मैं सोक कर दूँगी विनीगर में, इतनी काफ़ी है आई थिंक। सो इतनी काफी है, बस बाकी को फ्रीज कर देते हैं। जी बेटी, आंटी आ गई। आंटी आंटी कैसी है? आंटी आप ठीक है? मेरा दुपट्टा लेके ना आंटी बनी हुई है। देखो हादी, कहते मम्मा किचन में नहीं आओ, मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। यहाँ पर जो है ना अभी बना रही हूँ लंच। कबाब बन रहे हैं हादी के, और ये चिकन फ्राई होगा अभी इसमें। अभी हम क्या कर रहे हैं हादी? गाइस गाइस बोलो, गाइस बोलो। शर्मे कितनी आती है आपको? हाँ, आज हादी ने ऑयल लगाया अपने बालों में नैया के बाद थोड़ा सा, कि मुझे लग रहा था कि हादी के जो है ना थोड़ी ड्राइनेस हो रही है। हादी हादी, शो योर टीथ, शो योर टीथ, शो ई, शो योर टीथ, शो योर टीथ। ये देखो निकले छोटे छोटे टीथ निकले हैं, छोटे छोटे हैं ना, छोटे छोटे टीथ निकले हैं। यहाँ पे हम लंच बना रहे हैं। मैं जो है ना, वो पता है क्या बन रहा है? ये एक यूनिक पिज़्ज़ा। नीचे शॉर्मा ब्रेड है, ऊपर जो है ना हॉट शॉट है, ऊपर चीज़ है। मेरी बेटी ने कहा उसको ऐसे ही चाहिए। नीचे भी है क्या? जी डबल लेयर। जो है ना दो समोसे मैंने फ्राई किए, और दो मैंने एयर फ्रायर में रखे हैं। अब मैं खा के देखूंगी किसका टेस्ट जो है ना ज़्यादा अच्छा है। तो आई थिंक के फ्राइड ज़्यादा मज़े के होते हैं, लेकिन अब अगर बंदे का डाइट का कोई प्रॉब्लम हो ना, तो फिर एयर फ्रायर यूज़ करना चाहिए, उसमें इतने टेस्टी नहीं बनते। खैर, अभी यहाँ पर जो है ना तकरीबन 4 बजने वाले हैं, और अभी मुझे आज बनाना है रात के लिए खाना। तो मैंने सोचा अभी जो है ना खाना बना लेती हूँ मैं। यहाँ पर जो है मैंने डिफ्रोस्ट किया हुआ था चिकन वगैरह, उसको मैंने फ्रीज़र से निकाल के, क्योंकि मैंने सुबह निकाला था ना तो डिफ्रोस्ट हो गया था, फिर अभी मैंने पकाना नहीं था, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। अभी मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ, अभी खाना बनाते हैं। और आपको यहाँ पर मसलसल जो है ना फ्रिज का शोर आएगा, तो मैं जो है ना इसको आप लोगों को बैठाती हूँ ट्राइपॉड पे, बनाती हूँ खाना, जल्दी जल्दी बना लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, उसके बाद फिर
उसके बाद फिर शायद आज मुझे मार्केट जाना है क्योंकि मैंने टेलर को कपड़े का बोला है, कपड़े उसने जो है ना कुछ सिलाई कर दिए थे और कुछ ठीक करने के लिए मैंने दोबारा से दिए थे, वो अभी तक ठीक नहीं हुए, तो अभी मैंने उसको फ़ोन किया कि उन्हें ठीक कर दो, तो मैं ना शाम में उठा लूँगी। तो अभी सोचा मैंने कि मैं ना सारे काम अभी ख़त्म कर लेती हूँ और फिर जो है ना मार्केट का चक्कर लगाऊंगी, अभी देखती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को भेज के मंगवा लूँगी, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। अभी देखती हूँ क्या करना है क्योंकि कुछ थोड़ी सी चीज़ें भी लेकर आनी है, वो भी ले आऊँगी और खुद ही चली जाऊँगी, तो बस जल्दी से जो है ना किचन का काम ख़त्म कर देते हैं ताकि मैं जा सकूँ। तो आप लोग बैठे यहाँ पर ट्राई पॉट, ठीक है, बनाते हैं हम खाना फिर चलेंगे। तो जनाब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में और यहाँ पर जो है ना हम बनाएंगे रात का खाना। तो सब्जियाँ वगैरह मैंने निकाल ली हैं, चिकन भी निकाल लिया है और आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अचारी चिकन की रेसिपी। उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ऑलरेडी रेडी कर ली हैं सारी, तो जो है ना अभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं उसको पकाने की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना पैन रखेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और जनाब इसमें डाल देंगे सबसे पहले मेथी दाना 1 टीस्पून और कलौंजी और सौंफ, अगर आपके पास राई दाना है तो वो भी डाल लें क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। खैर मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाली, तो यहाँ पर जो है ना मैंने डाली है 2 प्याज मीडियम साइज़ की और 1 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। बस इसको अच्छे से भून लेना है, प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेना है क्योंकि हमें इसका अच्छा सी ग्रेवी बनानी है। तो यहाँ पर जो है ना प्याज को पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसके साथ जो है ना मैं इसमें डाल दूँगी चिकन, वो भी इसके साथ ही कुक हो जाएगा और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा जो है ना स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। फिर जो है ना हम इसमें साथ में डाल देंगे मसाले और मसालों में जो है मैं डाल रही हूँ नमक, सुरख मिर्च, 1 मैंने टमाटर डाली है और हल्दी। इसके अलावा अगर आप डिब्बे वाला मसाला डालना चाहते हैं जो अचार गोश्त वाला होता है ना, तो वो भी डाल लें क्योंकि उससे जो है ना एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। नहीं डालना चाहते तो भी खैर है क्योंकि पहले जो हमने मसाले ऐड किए ना उसी से बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर जो है ना मैंने डाली थी दही चिकन को जो है ना भूनने के लिए और दरमियान में आ गए थे अब्दुल हादी ने हर चीज़ पकानी होती है मेरे साथ क्योंकि उसको मज़ा नहीं आता अकेले बैठने में, उसने जो है ना मामा के साथ सारी कुकिंग करवानी होती है। खैर यहाँ पर चिकन को भूनने के लिए हमने कुक होने के लिए छोड़ दिया था, इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि ये जो है ना गल जाए और इसका मसाला भी जो है ना अच्छे से रेडी हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है, ऑयल जो है सारा ऊपर आ गया है और अभी जो है ना मैं इसमें इस टाइम पर जो है ना हम इसमें ऐड कर देंगे सब्जियां जो कि हमने रखी थी विनीगर में सोक करके। और सब्जियों में जो है ना आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि मूली होगी, शलजम हो गए, अचार में जो सब्जियां डलती हैं ना वो वाली, तो जो भी आपका दिल चाहे आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूज़ की है गाजर, सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गार्लिक और लेमन। नॉर्मली जो है ना हमारे घर में इसी चीज़ का अचार खाया जाता है और यही जो है ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो है ना मैं वो सारी सब्ज़ियाँ मैंने विनीगर में सोख करके रखी हुई थी अभी ऐड कर दूँगी और इसको है थोड़ा सा हम भून लेंगे, भूनने के बाद इसको कवर कर देंगे। और चूँकि ये विनीगर डाला है इसमें तो सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी गल जाएंगी, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतने में जो है ना ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाएंगी। तो ये देखें यहाँ पर जो ना सब्जियाँ मेरी बिल्कुल तैयार हो गई हैं और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब जो है एंड में मैं डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया और कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालनी है डालें नहीं डालनी आपकी मर्ज़ी और पिसा हुआ गरम मसाला। और ये सारा जो है ना हम इसका एंड पे अपने खाने की डेकोरेशन कर देंगे, बहुत ही मज़े की और खुशबूदार जो है ना खाना बन के तैयार हो गया है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी, जैसे ही बच्चे घर में आए ना उन्होंने दरवाज़ा खोलते पूछा है मामा आज आपने क्या पकाया, क्योंकि अचार की आपको पता है इतना स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू होती है। और ये इतनी मज़े का जो है ना सालन रेडी हुआ था हमारा। तो बस यहाँ पर जो है हमारी अचारी चिकन के जो है ना सारे आखिरी रसूमात जो है ना इसकी सारी अदा हो चुकी हैं यानी कि अभी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और बस अभी जो मैं साथ में रोटी बनाऊँगी, अभी नहीं बनाऊंगी, मैंने थोड़ी देर पहले बना लिया था खाना, अभी जो है ना फ़िलहाल हमारा चाय का टाइम है
तो हम लोग यहाँ पर जो है ना अपनी चाय इंजॉय करेंगे, रोटी जो मैं थोड़ी देर ठहर के बनाऊँगी। तो बस, और सोच रही हूँ कि आज का वीडियो भी यहीं पर ख़त्म कर दूँ और आपसे मुलाकात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी कल।